हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप भी इंडोर प्लांट्स के शौकीन हैं तो आप अपने गार्डन में डेफनबिकिया के इस प्लांट को ज़रूर ऐड करिए। डेफनबिकिया, जिसे डमकिन के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक इंडोर प्लांट होता है। तो आज मैं इसी की पूरी केयर टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, डेफनबिकिया एक सुंदर लीफ वाला एक प्लांट होता है, जिसकी सुंदर सुंदर लीफ जो हैं आँखों को बहुत ही सुकून देती हैं। कितनी अच्छी इसकी लीफ आप देख सकते हैं, कितनी शाइनिंग वाली लीफ होती हैं, कितना अच्छा ये प्लांट लगता है। तो इस प्लांट को कभी कभी ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो शुरू शुरू में जब मैं अपने गार्डन में इस प्लांट को ऐड किया था फ्रेंड्स, तो मेरे साथ भी कई सारी गलतियाँ मुझसे हुई, जिसके कारण मेरा प्लांट जो है एक बार ख़राब भी हुआ। तो मैं आपको शो करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट जो है किस वजह से ख़राब हुआ, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरा ये प्लांट ख़राब हुआ था ओवर वाटरिंग की वजह से। हाँ फ्रेंड्स, इस प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग से इसकी जो ये जड़ होती है, ये गल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे जो प्लांट था, ये पूरी तरह से इसकी जो स्टेम थी, ये रूट इसकी जड़ गई, मतलब पूरी गल गई थी। मतलब तो गलने के बाद जब ये पूरी गल गई, तो मैंने यहाँ से इसकी जो है कटिंग कर दी। कटिंग करने के बाद ये हुआ कि इसको मैंने यहाँ से निकाला नहीं, और इसी में से जो ये इसका नया जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये अपने आप ही स्वतः निकल आया। तो कहने का मतलब यही है कि इस प्लांट को जो है ग्रो करना भी बहुत ही आसान है। अगर आपका प्लांट बाय चांस ख़राब भी हो जाता है, तो आप उस प्लांट को निकाले नहीं, वहाँ से आप उसकी कटिंग कर दीजिए, और कटिंग करने के बाद उसको निकालिए नहीं, तो वो अपने आप ही नई ब्रांच जो है निकाल लेता है यहाँ से। तो अगर आपका प्लांट इस तरह से ख़राब हो जाता है, तो आप ज़रूर लगा रहने दीजिए उसको। दोस्तों, डेफनबिकिया के प्लांट को धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसको केवल ब्राइट लाइट मिलती रहे, वही इसके लिए बहुत है। तो इसको आप जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती रहे, से आपके कोई विंडो है वहाँ पर रख दीजिए आप। तो इसको धूप बिल्कुल पसंद नहीं है, ब्राइट लाइट मिलती रहे उसमें यह जो है ग्रो करता रहता है। काफ़ी स्लो ग्रोथ इसकी होती है। तो आप देख सकते हैं इसकी जो नई लीफ भी निकल रही है इसमें, तो काफ़ी दिनों के बाद इसकी एक नई लीफ निकलती है। 15 से 20 दिनों के बाद एक लीफ इसमें दिखाई पड़ती है। तो काफ़ी हेल्दी प्लांट मेरा हो गया है ये डेफनबिकिया का। दोस्तों, डेफनबिकिया प्लांट की ज़्यादा कोई खास केयर नहीं है, बस आप इसमें वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें, और बिल्कुल भी इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए। ये बिना धूप के ही बहुत ही अच्छा चलने वाला प्लांट है। और मिट्टी जो है इसकी वेलडन बनाइए, और बहुत ही अच्छा ये प्लांट जो है आपके गार्डन में हमेशा के लिए बना रहेगा। तो अगर आपने अपने गार्डन में डेफनबिकिया के प्लांट को ऐड नहीं किया है, तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिए। ये सुंदर पत्तियों वाला पौधा, इंडोर प्लांट जो है, बहुत ही सुंदर लगता है। अब बात कर लेते हैं डेफनबिकिया के प्लांट की, जो हम मिट्टी बनाएंगे वो कैसी बनानी है। तो मिट्टी हमें इस प्लांट की वेलड्रन ही बनानी है, जैसे सारे प्लांटर्स की बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने एक भाग जो है गार्डन सॉइल लिया है, रेत लिया है, वर्मी कंपोस्ट मिलाकर ही मैंने इस प्लांट को जो है रिपोर्ट किया था। तो ये तो मेरा काफ़ी पुराना प्लांट है। और इसमें एक बात ये भी होती है, जैसे जैसे ये प्लांट लंबा होता जाता है, आप देख सकते हैं जो इसका ये नीचे का भाग है, ये काफ़ी लंबा पहुँच जाता है, फिर नीचे की जो लीफ होती हैं ये गिरती जाती हैं। तो आप अगर अपने प्लांट को घना बनाना चाहते हैं, अभी तो मेरा ये प्लांट छोटा है, लेकिन जैसे ये लंबा होता है, तो नीचे की जो लीफ होती हैं ये गिरती जाती हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ नीचे से जो है आप थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें, 5 से 6 इंच का हिस्सा छोड़ने के बाद इसकी कटिंग कर दीजिए, तो वहाँ से नई जो शाखाएँ हैं वो निकल आएंगी, और जो ऊपर का हिस्सा होगा आप दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो डेफनबिकिया का प्लांट है वो घना भी हो सकता है। तो एक तरीका ये भी है हमारे प्लांट को घना बनाने का। दोस्तों, आई होप कि मेरी बताई हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और लाइक करना मत भूला करिए। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब किया करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।